So students, my previous lecture video was disconnected. So I am continue my lecture for book page number 4. यहाँ पर हमने 5 के तक किया था. हमने यहाँ था कि वी जो है वो शो कर है 5 को. वी के बाद आई है, आफ्टर वी आई है तो वो शो कर रहा है 6 को. वी के बाद डबल आई वो शो कर रहा है 7 को. वी ट्रिपल आई शो कर रहा है 8 को. हमने अपने प्रीवियस पेज में, अब यहाँ पर नंबर रह गए हमारे पास 9 और 10. एक्सेप्ट पहले यहाँ पर बिफोर आई लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा 10 नंबर था हमने यहाँ पर प्रीवियस पेज पर देख रहा था कि एक्स शो करता है हमारे 10 नंबर को. तो अब हम यहाँ पर यानी कि 10 नंबर में ओनली 1 नंबर माइनस करेंगे. तो एक्स बिफोर एक्स हम आई लगाया तो ये 9 नंबर को हो गया और एक्स शो किया 10 नंबर को. अब आप आ जाए बुक पेज नंबर 5 पर. हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिविन अरबिक नंबर. यहाँ पर हमें अरबिक नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें हमने कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में. रोमन नंबर्स में अभी हमने 1 से लेकर 10 तक में गया. 10 को शो करता है x और यहाँ पर है 11, यानी कि 10 आफ्टर x i लगाया है तो वो शो कर रहा है 11 को. x के बाद डबल i लगाएंगे तो वो शो करेगा 12 को. इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करोगे. ये आपका होमवर्क है, आप कंप्लीट करोगे. और आपकी आसानी के लिए भी मैं नोट्स के थ्रू आपको 1 से लेकर 50 तक अरबिक और रोमन नंबर्स दे रही हूँ. तो आप इसको याद भी कीजिए और राइट भी करिएगा क्लास वर्क कॉपी में, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे. अब लास्ट में आ जाओ, यहाँ पर बॉक्स है रिमेंबर का. रिमेंबर में का बॉक्स है, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं उनकी. अब देखें 40 नंबर से इसको शो कर रहा है XL, 50 को शो कर रहा है L, 60 को शो कर रहा है LX, 100 को शो कर रहा है अल्फ़ाबेट C, 70 को शो कर रहा है L डबल X, 80 को शो कर रहा है L ट्रिपल X, जबकि 90 को शो कर रहा है X और C, राइट. अब आप आ जाएं बुक पेज नंबर 6 और 7. 4 डिजिट नंबर्स, रिमेंबर 1000. यानी अब आप यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखें 7 पर हमारी लेट अस प्रैक्टिस काउंट एंड राइट. गिनिए और लिखिए, देन ड्रॉ बीट्स. बीट्स ड्रॉ करें ऑन द एबाकस. एबाकस में हमने बीट्स ड्रॉ करने. अब आप यहाँ पर देखो आपका फर्स्ट बॉक्स में क्या बना हुआ है, 2 बॉक्स शो हो रहे हैं. फर्स्ट बॉक्स के नीचे 100 लिखा हुआ है, सेकेंड बॉक्स के नीचे 1000 है. अब यहाँ पर देखें कि यानी कि 100 यानी इसके अंदर स्मॉल 100 ब्लॉक्स हैं तो ये 100 को शो कर रहा है. सेकंड ब्लॉक्स में स्मॉल 1000 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो ये 1000 को शो कर रहा है. तो हमारे पास ये दोनों 100 को शो कर रहा है और ये 1000 के ब्लॉक को शो कर रहा है. अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, वो ऑलरेडी सॉल्व है. इसमें देखें 1000 का 1 ब्लॉक शो हो रहा है जबकि 100 का भी 1 ब्लॉक ही शो हो रहा है. तो हम अपने एबाकस को किस तरह फिल करेंगे कि 1000 के की रॉड में हम सिर्फ 1 बीट्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1000 का यहाँ पर सिर्फ 1 ब्लॉक है तो हम सिर्फ 1 बीट ड्रॉ किया. जबकि हमारे पास 100 का भी यहाँ पर सिर्फ 1 बीट 1 ब्लॉक है तो हमने 100 की रॉड में भी सिर्फ ओनली 1 बीट ड्रॉ किया. इसी तरह हमने अपने एबाकस में 1, 10, 100, 1000 इसमें भी इसी तरह फिल किया. 1000 का 1 ब्लॉक है तो 1000 पे हमने 1 लिखा. 100 का 1 ब्लॉक है तो 100 को 1 शो कर रहा है. और ना 10s का कोई ब्लॉक है ना 1s का कोई ब्लॉक शो हो रहा है तो हमने उसमें 0 लगा दिया. अब इसके बाद देखें आप अपना बी, यहाँ पर 1000 के 2 ब्लॉक शो हो रहे हैं, 100 का 1 ब्लॉक शो हो रहा है. अब उसके बराबर में देखो यहाँ पर आपके 2 लाइंस ड्रॉ हैं जिसमें 10s ब्लॉक्स बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये 10s को शो करें जबकि यहाँ हमारे पास 1 का कोई भी ब्लॉक शो नहीं हो रहा.